कितनी मुश्किलों से मिली ये नौकरी मुझे, कहाँ कहाँ नहीं भटकाऊँ मैं एक अच्छी नौकरी के लिए। सुना है यहाँ का बॉस बहुत अच्छा इंसान है, यहाँ काम करना कई लोगों का ड्रीम भी है। बहुत मेहनत से काम करूँगा यहाँ ताकि ताकि बॉस मुझसे हमेशा खुश रहे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। प्लीज हैव ए सीट। तुम इस पोस्ट के लायक हो। थैंक यू सर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही ईमानदारी और लगन से तुम काम करोगे। थैंक यू सर। लेकिन जॉइनिंग से पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊँगा। कॉन्ट्रैक्ट? कैसा कैसा कॉन्ट्रैक्ट सर? यंग मैन, इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम 50 साल तक कहीं जॉब नहीं कर सकते। 50 साल तक सर? बिल्कुल, अगर तुम्हें मंजूर है तो तुम आज से ही ज्वाइन कर सकते हो। ये पागल तो नहीं हो गया या फिर मजाक तो नहीं कर रहा? ओह माय गॉड, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी कुछ अच्छा होने लगता है कहीं ना कहीं से फिर से बदकिस्मती मेरा दरवाज़ा खटखटा देती है। कितना खुश था मैं कि एक अच्छे ऑफिस में जॉब मिल गई मुझे, लेकिन क्या करूँ, ये पागल हो या ना हो मैं जरूर पागल हो जाऊंगा। क्या हुआ यंग मैन? What are you thinking? I'm sorry सर। तो फिर क्या सोचा तुमने? आप मजाक कर रहे हैं ना सर? बिल्कुल नहीं यंग मैन, मैं सीरियसली तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर साइन करने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन 50 साल तो बहुत लंबा पीरियड है सर, और इतनी तो शायद मेरी उम्र भी नहीं होगी। बी पॉजिटिव यंग मैन। जी सर, लेकिन यंग मैन, अगर ये पीरियड तुम पूरा नहीं कर सकते तो तुम्हारे घर वालों को इसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। तुम्हारी सैलरी का 10% हर महीने हमारी कंपनी को देना होगा। क्या? लेकिन लेकिन सर, देखो यंग मैन, अच्छी तरह से सोच लो, तुम्हारी नौकरी इसी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टिकी हुई है। अगर आज तुम इस पे साइन नहीं करते तो तुम्हारी नौकरी कहीं समझो। इस नौकरी को मैं किसी भी कीमत पर खो नहीं सकता, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करूं? वैसे साइन कर देता हूं, यहां पल भर का तो भरोसा नहीं है, और ये जनाब 50 साल के कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अगर 50 साल से पहले मैं मर भी गया तो माँ बाबूजी के लिए इतना छोड़ ही जाऊँगा कि इसकी पेनल्टी भर देंगे, और उन पैसों से एक बड़ा इंश्योरेंस भी करवा लूँगा। उस पैसे से छोटी की शादी भी हो जाएगी, और वैसे भी वह भी 15 साल की है। ओके सर, मुझे कॉन्टैक्ट मंजूर है। वेरी गुड। तो अब जब तुमने कॉन्टैक्ट साइन कर ही दिया है तो सेविंग करना भी शुरू कर दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम इसे पूरा कर पाओगे। क्या? तुम्हें पता है इस फोटो में कौन? कल जब तुम नीचे सिगरेट पी रहे थे तब मैंने ये फोटो ली थी। स्मोकिंग करते हो? स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है,
और ये बात सिगरेट के पैकेट पे भी लिखी हुई है। फिर भी पता नहीं क्यों लोग स्मोकिंग करते हैं। असल बात तो यह है कि लोग स्मोकिंग की चेतावनी को कभी सीरियसली लेते ही नहीं। आधे से ज़्यादा लोग तो स्मोकिंग की लत में ज़िंदगी गुजार देते हैं, जिसमें से कुछ लोगों को कर्क रोग हो जाता है। और ज़रूरी तो नहीं कि हमारे साथ भी ऐसा हो, लेकिन जब ज़िंदगी करवट बदलती है ना, तो अच्छे अच्छे लोग भी समझ में आ जाते हैं। मैं अपने भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन कॉलेज में उसे स्मोकिंग की लत लग गई और उसके शरीर में बीमारियों का घर बना गया। आज उसकी उस हंसते चेहरे को देखने को तरस गया हूं। I'm sorry, sir. मैं आज के बाद कभी सिगरेट के पैकेट को हाथ नहीं लगाऊंगा सर। गुड यंग मैन। थैंक यू सर। अब तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो।